support of bravery that they had Pakistani terrorists and the tribals. They were pushed back by the civilians and the forces on the ground, which was one of the largest cities that lasted 414 months. एंटर क्या हाल है डॉक्टर जी? डॉक्टर देखो कहां से कहां के मुलाकात होती है। अच्छा, एंड राइट नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर द जैकरिक वॉर मेमोरियल व्हिच इज अजोत वॉर मेमोरियल सर, एंड ही इज गॉट कोटा स्टोन्स टू पे वे। हां सर, सदर नगर आगे का प्लॉट ही कैन जैकरिक देन जैकरिक जैकरिक। ओके, गुड गुड, बहुत मुबारक हो। आप लोगों को धरोहर में मिली है और अब ये धरोहर रक्षा मंत्री गेव दी स्टेटमेंट अबाउट द POJK। एज यू आर अवेयर दैट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द सब्जेक्ट, सो देयरफॉर इट्स नथिंग न्यू, इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन। एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न, इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर विच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वेन एवर सच ऑर्डर्स आर गिवन वील ऑलवेज बी रेडी फॉर इट। नाउ एज फार एज सिक्योरिटी सिनेरियो इन कश्मीर इज कंसर्न, इफ यू सी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इट हैज अंडरगॉन अ मेजर चेंज एंड ऑल द ट्रेंड लाइन्स विच आर देयर आर कमिंग डाउन टूडे टू द एक्सटेंट इफ आई कैन से दैट टूडे द पीस एंड डेवलपमेंट इज समथिंग, देर इज अ ग्रेट स्पेस टू मीट द पीपल्स एस्पिरेशन, देर इज अ ग्रेट स्पेस। सो द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन काइंड ऑफ ऑक्यूपाइंग दिस स्पेस एंड मेकिंग श्योर दैट द टेररिज्म इज पुट ऑन अ बैक सीट। कि क्या हमने टेररिस्ट को कंट्रोल कर लिया है? इसका जवाब ये है, बहुत हद तक हाँ, हमने उसको कंट्रोल कर लिया है। तो अभी जो बाहर के लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो दूसरे तरीके अपना रहा है। दूसरे तरीके किस तरह के हैं कि वो अभी पिस्टल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेनेड्स को भेजने की कोशिश कर रहा है, और वो साथ में क्या कर रहा है, ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है, और इन चीज़ों का तालमेल बना के वो छुटपुट हरकतें कराना चाहता है। और वो छुटपुट हरकतें जब कराना चाहता है तो वो किसको करेगा? वो उस बेबस और असहाय को करेगा जो यहाँ पे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए आया था, जो कश्मीरों की सहायता करने के लिए आया था यहाँ पर। आज उसके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है, बड़े दुख की बात है। और उसके लिए पुलिस, फौज और सब कुछ, और जो खुद की वहाँ की लोग हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं कि हम इसको नहीं किसी तरह होने देंगे। इसीलिए आप देखिए, ये जो भी हो रहा है वो काफ़ी कम है, और उसमें और कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसने भी इस प्रकार की गलती की है उसको उसकी सज़ा मिल रही है। आपने सही बोला है कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फ़र्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या UN में इसको कश्मीर इशू को रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, OIC में रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते हैं। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं। पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में हम बहुत जगह हीरोइन और बहुत सारी तस्करी की ऐसी चीज़ें पकड़ रहे हैं जो कि गलत हैं। यहाँ तक कि जो हम टेररिस्ट मार रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं बॉर्डर में कि नहीं, आप स्मगल कर रहे हो। मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यकीन है कि आपको, आप यहाँ से ड्रग्स भेज रहे हो?
तो ये निहायत गलत बात है जो पाकिस्तान इस चीज़ को कर रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, रेडिकलाइजेशन जो है वो उसके लिए, जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट की हम अगर बात करें, ये मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 35% जो रिक्रूटमेंट है जो आज हो रहा है कहीं भी, उसमें ये जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसमें 35% लोग 20 साल की उम्र से कम हैं। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में हैं। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है, जिसके लिए कौन ज़िम्मेवार होगा? इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा। और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीब 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है और काउंटर ड्रोन, तो ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में ये दोनों तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी। वो ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएंगे। तो अभी हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने जगह जगह पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे कि ये ड्रोन इक्विपमेंट ये गिराता है, वेपन्स गिराता है, उन जगहों को भी हमने AMR कर रखा है और उन जगहों पर भी पहुँच के हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट और वेपन का मिलाप ना हो सके। और आपने सही फरमाया है कि आज जो हालात ऐसे हैं कि टेररिस्ट तो है, अगर उसके दिमाग में सोच विचार में बैठा है कोई कार्रवाई करने के लिए भी, तो भी वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास वेपन्स की कमी है। अगर मैं कहूं कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 हैं और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पर साउथ ऑफ पीर पंजाल हो गए। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे, तकरीबन 53 जो है लोकल टेररिस्ट। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूँगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है, परंतु हम यकीन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना कर पाए। शांति और विकास, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। जब तक ये बातें ख़त्म नहीं होंगी, जब तक हम इसमें कोई एक लेवल नहीं हासिल करेंगे, आगे आने वाली बातों के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं और देखते रहे, ये एक ऐसी हवा चली है अभी आपकी डेवलपमेंट की, विकास की, कि अगर आप इसमें शामिल होते हैं तो आप इस कार्रवाई के पार्ट बनेंगे, भागीदार बनेंगे, और अगर आप लेट हो गए, पीछे रह गए, तो फिर आप गुबार देखते रह जाएंगे। थैंक यू सर। यही बोलना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर है वो सब आपके लिए है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रहा है और उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। आपने आगे आना है, इस कोशिश में हमारा भागीदार बनना है और बताना है कि जो पिछले 30 या 40 साल में लोगों ने जो गलतियाँ की थीं, उस गलतियों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप देखिए, बॉर्डर के उस पार, सरहद के उस पार कुछ भी किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और देखिए भारत कितना तेज से कितना आगे निकल गया है कि G20 का आज वो लीडर है। आज भारत देश दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इज्जत पाता है। तो अगर आप उस इज्जत के हकदार बनना चाहते हैं, तो आइए उस हवा में शामिल होइए, उस बयार में शामिल होइए, और आपका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होगा।